हेलो फ्रेंड, मैं अर्षी गया बिहार से और आप देख रहे हैं अर्षी टेरिस गार्डन। सो फ्रेंड, देखिए हमारी छत का अपडेट। देखिए मैंने पिछले बार आप लोग के सामने ही अपने छत पे एक सॉलिड कंपोस्ट डाली थी, तो देखिए उसका रिज़ल्ट। देखिए कितना अच्छे से मिर्ची या झींगी, परोर, लौकी सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रहा है और हार्वेस्टिंग पोजिशन में भी है। लेकिन आज हार्वेस्ट करना इतना सारा वेजिटेबल पॉसिबल नहीं है। तो देखिए मेरी आपी आई हुई है और वो चिल्ली हार्वेस्ट कर रही है, क्योंकि चिल्ली अब पकना शुरू हो गया है, रेड होने लगा है। तो मैं बोली आपी आप हार्वेस्ट कर लो सारा चिल्ली, तो वो हार्वेस्ट कर रही है। साथ में उनके पास उनकी बहन के जैसा साथ में एक असिस्टेंट भी रहती है, तो वो भी आई हुई है और साथ में वो भी चिल्ली हार्वेस्ट कर रही है। तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से हमारे गार्डन का ओवरव्यू है आज का, और इतना अच्छा माशाल्लाह वेजिटेबल हो रहा है। मैं रेगुलर अगस्त से हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, जुलाई लास्ट महीने से, और आज सितंबर होने को चला है। और हमारे छत का देखिए ओवरव्यू किस तरीके से, एक एक जगह पे लौकी लगी हुई है। एक पिलर पे बेल गया है, उसमें कम से कम 3-4 लौकी लगा हुआ है, और इस तरफ भी है, एक एक जगह पे इतना सारा सब्ज़ी लगा हुआ है। तो फ्रेंड मैं इसकी हार्वेस्टिंग आप लोग को दिखाऊँगी कि कितनी हार्वेस्टिंग है। देखिए इस तरफ हमारे गार्डन में अंदर घुस घुस कर तोरई हो रहा है, पिलर पे हो रहा है, और छत छत नहीं लग रहा है, एकदम खेत के जैसा लग रहा है। देखिए ये फीमेल झिंगी का फ्लावर है, और इस टाइम में अभी हमारे यहाँ भिंडी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, लेकिन ये फ्लावर हो रहा है, फ्रूट भी कन्वर्ट हो रहा बनना, और फ्लावर तो हो ही रहा है। और देखिए मैं भिंडी का पौधा कितना सारा लगाई हूँ, तो मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि एक जैसा कम से कम 7-8 पौधा हो जो मुझे खाने को मिले। भले ही एक ही सब्ज़ी खाएं, लेकिन 4-5 पौधा उसका कम से कम हो, तो आपके किचन में बहुत अच्छे से बनेगा। अदरवाइज़ 2-4 पीस तोड़ के खुश हो जाइए, वो कोई काम का नहीं रहेगा। तो देखिए इतनी हार्वेस्टिंग इन लोग चिल्ली का कर ली है, और अभी और हार्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी बहुत सारा चिल्ली हार्वेस्ट की थी। और ये देखिए हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये मैजिक फर्टिलाइज़र है। इसमें नीम है, मुनगा का पत्ता है, केला का पत्ता है, एलोवेरा है। ये हमारा कीड़ा वगैरह को भी मारता है, और जो ख़राब कीड़ा होता है मिट्टी में उसे हटाता है। और ये देखिए इस तरफ हमारा फीमेल फ्लावर खिला हुआ है, और ये ऊपर से छत का नज़ारा है जो बिल्कुल ही खेत के जैसा लग रहा है, जो मैं निहारते रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर में कितने बार छत पे आती हूँ मुझे खुद पता नहीं, बस यूं ही लगता है कि छत पे ही रहूं। और देखिए इस तरीके से फीमेल फ्लावर को मैं मिलाती हूँ, तभी जाकर ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अगर नहीं मिलाऊँगी तो शायद इसे पॉलिनेटर टच नहीं करेगा, तो ये फूल गिर जाएगा सूख करके और फल नहीं बनेगा। तो फल बनाने के लिए मैं हैंड पॉलिनेट करती हूँ, जो अभी आप लोग के सामने करके दिखाई। तो फ्रेंड अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिए। इससे मैं मोटिवेट होती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। देखिए इस तरफ मेरा सारा बेल का लत है, मैं सबसे ऊपर वाले छत पर हूँ, वहाँ पर भी ये लौकी का बेल आ गया है। तो इस तरीके से तोड़ करके लौकी का बेल को मिला दी फीमेल को मेल से, तो बहुत अच्छे से वेजिटेबल इस टाइम पे हो रहा है, और बहुत बहुत अच्छा मात्रा में निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि खाने से ज़्यादा है। तो देखिए हमारे घर गार्डन की हार्वेस्टिंग चिल्ली का, और रज़िया शर्मा रही है कि मेरा नहीं लीजिए आप ही, तो मैं नहीं ले रही हूँ उसका, लेकिन वो बस यूँ ही डर रही है। तो देखिए इतनी हार्वेस्टिंग चिल्ली का हुआ है। देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी हार्वेस्टिंग के साथ। देखने के लिए थैंक यू।